नींबू की बढ़ती कीमत के चलते अब नींबू चोरी होने की वारदातें सामने आ रही है। थोड़े दिन पहले सूरत के सब्जी मार्केट से नींबू चोरी होने की वारदात सामने आई थी। तो अब सूरत शहर के नजदीक कठोर गांव से किसान के खेत में 140 किलो नींबू चोरी होने की वारदात सामने आई है। देखिए क्या है पूरा मामला। लोगों ने चोरी की अनेक वारदात देखी और सुनी होगी। रुपये, पैसे, गहने, कीमती सामान की चोरी होने की खबर देखी या पड़ी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी चीज की चोरी दिखाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। सूरत ग्रामीण विस्तार में एक किसान के खेत में 140 किलो नींबू की चोरी की वारदात सामने आई है। रात के समय खेत के पास बने एक कमरे में पेड़ से तोड़े हुए नींबू का संग्रह किया गया था और दूसरे दिन सुबह में उसे सब्जी मंडी में बेचने के लिए ले जाना था, लेकिन रात को ही कुछ अज्ञात लोगों ने खेत जाकर नींबू की चोरी कर ली। पिछले कई दिनों से नींबू के भाव आसमान को छू रहे हैं। नींबू की बढ़ती कीमतों के चलते इसकी असर सीधी गृहिणी के बजट पर हो रही है। कितने लोगों ने बढ़ती कीमत के चलते नींबू का उपयोग करना बंद कर दिया है। इसी बीच नींबू की चोरी की वारदात ने अब किसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गहने, पैसे या तो फिर कीमती सामान को बैंक के लॉकर में रखा जा सकता है, लेकिन किसान अब नींबू को कहां रखने जाए या फिर खेत पर पहरेदार बिठाए, ये एक बड़ा प्रश्न सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R4U न्यूज़, सूरत।